ये छोटे वाले भाई से इस पर पत्थर गिर गया, फिर ओरिजिनल स्क्रीन चलेगी, देखो भाई इसकी। वह बड़ा उद्यमी सा है ये तो भाई, देख जगह दिख गई। तो भाई या तो तुम्हें 10 साल की जेल रखनी थी, या तो तुम्हें फिर 7 लाख रुपए का जुर्माना रखना था। अगर जिस बंदे पे 7 लाख रुपए होगा देने के लिए, तो वो ट्रक या बस चलाएगा भाई। हेलो जी, हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन मालियन गाइस। तो भाई उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होगा, तुम्हारा भाई एकदम चौके से। भाई मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा ये ब्लॉग व्लॉग का काम ना हो ना, तो मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊँ भाई। एक बार मौसम देखो सारा भाई। मैं सुबह उठा 10:30 बजे उठा, और मेरे को लगा उठने के बाद कि भाई मौसम हो रहा होगा सही, धूप वूप निकल रही होगी, लेकिन धूप मेरी चप्पल गांव गई भाई। धूप की तो छोड़ो, सूरज ना निकला। तो एक बार अभी मेरे पास उनका फ़ोन आया, अपनी पहले हवा भाजी बंद कर दूँ, चैन बंद कर दूँ मैं एक मिनट। तो भाई अब सही है, एकदम पैक वैक हो गए, एकदम टोपा ओपा लगा के, टोपा उतार लूँ ना बाद में लगाऊंगा, अभी हवा बाजी थोड़ी सी करने दो, बिना टोपे के बाल वाल दिखने चाहिए। तो भाई अभी ऐसा था कि फिर मेरे पास उमंग का, मैंने फ़ोन करा उमंग को, मैंने कहाँ है, तो कह रहा ऐसी ऐसी बात है, घर पे कोई है नहीं, दादी हॉस्पिटल गई हैं, उसके चाचा भी नहीं, तो उमंग के पास जा रहे हैं। कह रहा चाय वाय बना रहा हूँ, आ जा बैठेंगे, आग वाग जला के उसी के घर पर बैठेंगे भाई। बाकी मैंने सुबह चाय वाय तो पी ली थी, अभी दलिया खा के आया था मैं घर पर। और भाई मैं कह रहा हूँ नहीं निकला जा रहा भाई, घर से बाहर नहीं निकला जा रहा गाइस, ठंड हो रही है भाई बहुत ही ज़्यादा। सूरज निकल नहीं रहा, सूरज की सैलरी काट लेनी चाहिए भाई, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहा भाई। बाकी आज चलेंगे सूरज कुंड, देखते हैं वहाँ चल के वीडियो वीडियो रील वील शूट करके आएंगे भाई। और ये देखो भाई गली मोहल्ला हमारा, पहुँचते हैं उमंग के घर, फिर बात करता हूँ आपसे ना। ये ले भाई आगे। और एक तो भाई टिंगू भाई का फोन टूटा पड़ा था, वो फोन नहीं उठाते ना, टिंगू भाई के यहाँ बैठ जाते हो। उमंग कहाँ दुबका पड़ा है? अरे इस कुतिया के बच्चे कहाँ गए? यही बच्चे दे दे हो, ये किसका बच्चा ले आया फिर तुम? अच्छा ये उसी का लेके आया क्या तुम, उसी कुतिया का? यो यहाँ बच्चे दिए हैं रिंकू भाई के, मैं अच्छा उसी का ये भाई। ये तो आती पैर से, अरे इसने तो पैंट वेंट गंदी कर दी भाई, जुर्रा भी देखो भाई हमारे मोहल्ले में ले सारे ने गंदी कर दी पैंट। दूध डाल रखा है तूने इसको? दूध डाल रखा है क्या? फैला तो दिया भाई हमारे मोहल्ले में, कुत्ते ने बच्चे दिए। उम्मू यार इसे वहीं छोड़िया, अभी सर्दी सर्दी मेरा मान तो उनके साथ रहेगा तो सही रहेगा, यहाँ तो ठंड लग जाएगी इसे। अच्छा उनमें सोता भाई ये। बाकी तो कितने कितने बच्चे दिए थे उसने? चाचा लाए थे प्यारा बच्चे, देखियो ओ भाई साहब फाड़ा है तो तीसरे। वह बड़ा उद्यमी सा है ये तो भाई, देखो जगह दिख गई भाई। जैसे मैं बता दूं जिसे नहीं पता भाई, मेरे को ना कुत्ते और बिल्ली से बहुत प्यार है, खासकर कुत्ते से। लेके आना मेरे को ये कुत्ता, अच्छा जो रात को बंदे करे ये, इसने हराम को हट जा हट जा। पैंट गंदी करती, वैसे कल पहनी थी पैंट, फिर भी साफ थी, क्योंकि कल तो मैं कहीं गए ही नहीं, यहीं था मोहल्ले में, बट कोई नहीं अभी देखते हैं बैठे। टिंगू भाई को फोन कर ले, टिंगू भाई आ जाएंगे। अरे मान जा भाई, दूध भी गिर दिया एक तो इसने भाई अपना। और भाई आपको मैं एक बात बताता हूँ, वैसे पता ही होगा ज़्यादा अगर सबको। अरे भाई मान जा, कैसे भाई कैसे, अरे अरे शैतान है भाई ये तो। उसके उस बात के ऊपर आपकी क्या राय है, जो हमारी राय है हम वो अभी बताएंगे ना, एक बार उमंग आ जाए फिर बैठ के बात करते हैं इसके बारे में। चाय भाई लिया है, ठीक है भाई 2 मिनट रुको, वटिंग भाई को फ़ोन कर लो, मैं लग जाता हूँ, उनका फ़ोन ऐसे ख़राब पड़ा था कहाँ गया। हाँ भाई तो अभी सीन ऐसा था, टिंगू भाई जहाँ जाएंगे तो मैं बात बताता हूँ वाली, जो बात हुई है मतलब जो सरकार ने एक रूल वो करा है, अलाउ मतलब न्यू रूल बनाया है ड्राइवर्स के लिए। अब उमंग सारे फोर व्हीलर के लिए है ना, वो टू व्हीलर को छोड़ के बस भाई, सारे फोर व्हीलर के लिए रूल बनाया कि मतलब अगर किसी की गाड़ी से किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है और वो बंदा मर जाता है ऑन द, मतलब मर जाता है या उसका एक्सीडेंट ही हो जाता है बस, तो उधर दिखाई नहीं रहा मैं, कैमरा मैन अपनी तरफ है, तो मतलब बंदा खत्म हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है जो चोट वोट लगी तो। हाँ ठीक है, अगर बंदा मर जाता है तो, वो बंदा अगर जिंदा रहता है तो वो बंदा इलाज का पैसा तो देगा ही। हाँ
तो भाई देखो, अगर किसी ड्राइवर से, मतलब फोर व्हीलर से, टू व्हीलर की नहीं कह रहा मैं, फोर व्हीलर से, जैसे ट्रक हो गए, बस हो गए, कार हो गई, अगर उनसे कोई बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो बंदे की गलती हो चाहे वो गाड़ी वाले की गलती हो, और उससे वो बंदा मर गया, तो जो मतलब ड्राइव कर रहा होगा फोर व्हीलर, उस बंदे को 10 साल की जेल है और 7 लाख रुपए जुर्माना है। ये न्यू रूल मतलब कि सरकार ने अलाउ करा है ना। और ये वाला सीन है कि भाई अगर आप, या तो ठीक है सरकार को करना तो ठीक है कि भाई बस ट्रक ड्राइवर बहुत एक्सीडेंट करते हैं, मतलब कि मतलब ऐसे बोला जाता है कि वो पी के चलाते हैं, बाइक वालों को नहीं देखते, गाड़ी वालों को नहीं देखते, बहुत एक्सीडेंट उनके ट्रक की वजह से होते हैं ना, तो भाई या तो तुम्हें 10 साल की जेल रखनी थी, या तो तुम्हें फिर 7 लाख रुपए का जुर्माना रखना था। अगर जिस बंदे पे 7 लाख रुपए होगा देने के लिए, तो वो ट्रक या बस चलाएगा भाई। कार वालों की नहीं कह रहा मैं, फोर व्हीलर वालों की, चलो जिसकी पर्सनल कार है वो हटाओ, जो ट्रक और बस चला रहे हैं, अगर उनके पास 7 लाख रुपए ही होगा देने के लिए, तो वो बस कार थोड़ी चलाएगा भाई। और प्लस चलो ठीक है, वो जुर्माना भर देता अगर उससे किसी, कोई पहली बात देखो जानबूझ कर एक्सीडेंट करता नहीं है, और अगर किसी की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, गलती से हो जाता है किसी से, ठीक है, अगर वो बंदा 7 लाख रुपए दे देता है, उसके बाद वो 10 साल की जेल काटेगा, तो जब वो 10 साल जेल के अंदर रहेगा, तो उसके घर वालों का खाना पीना कौन करेगा भाई, उसकी भी तो फैमिली होगी भाई, उसे मतलब वो जेल में रहेगा, प्लस वो 7 लाख रुपए देगा, 7 लाख रुपए देने के बाद भाई उसके घर पे जो भी है, उसके बीवी बच्चे माँ बाप, उनको कौन करेगा भाई। तो भाई ये तो भाई रूल बहुत ही मतलब बेकार है, अगर ये निकाला तो भाई से बंद करो, और हड़ताल भी कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर। भाई आपने देश का 90% से ज़्यादा ना ट्रांसपोर्ट का काम होता है ट्रक की वजह से, मतलब जो भी इधर उधर ले जाना हो रहा है कुछ सामान, या गाड़ी वो हो रही है, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही है, इधर उधर जा रही है, ठीक है, तो वो होती है भाई ट्रक की वजह से। अगर कोई एयरपोर्ट से सामान उतर रहा है, वो ट्रक में लोड होके स्टेट जा रहा है, दिल्ली आ रहा है, वहाँ से कोलकाता, मतलब जो भी हो रहा है ट्रक में होता है सारा काम। अगर ट्रक ड्राइवर ही भाई साहब, भाई मेरा मानना है तो है कि फिर मत ही चलाओ ना ट्रक, अगर कोई गलती की, जैसे अभी सूरजकुंड में आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, जो एक्सीडेंट हो गया था, वो एक्सीडेंट क्या हुआ था, ट्रक के आगे से वो बुलेट वाला ओवरटेक कर रहा था, वो बंदा एक्सपायर हो गया, तो उसमें ट्रक वाले की गलती थोड़ी थी भाई, है ना। मतलब अगर कोई बंदा हवाबाजी चलाने के चक्कर में खुद ट्रक से मर जाता है, प्लस वो 7 लाख रुपए लेगा और 10 साल की जेल उस बंदे को होगी, तो भाई ये चीज़ें तो गलत है ना। या तो तुम फिर जुर्माना रख रहे हो तो जेल रख लो फिर, और ठीक है भाई तुम जुर्माना भी लोगे, 10 साल के बंदे के जेल भी करोगे, फिर बंदे के घर पर खाना कौन, मतलब बनाने वाला कौन होगा भाई, कमाने वाला, कि वो उसके घर पर खाना पीना करके देगा भाई उनको। एक रूल और यूपी में, खासकर अभी मैं सुबह देख रहा था यूट्यूब पे, कि जो 17 साल से, मतलब 18 साल से कम के बच्चे, अगर उनके घर वाले उन्हें स्कूटी बाइक वाइक देते ना, तो उसके जिसके नाम पर गाड़ी होगी ना, वो बंदा अरेस्ट होएगा। तो ये चलो ये चीज़ तो ठीक है भाई, कि अगर तुम क्या नाम है, एडल्ट नहीं है जो उसे बाइक वाइक दे रहे हो, तो वो अरेस्ट, चलो ठीक है अरेस्ट, बट ये सीन नहीं है ना। जिस एक तो बंदा लाइसेंस किस लिए बनवाता है भाई, कि लाइसेंस है बंदे का प्रॉपर, लाइसेंस होने के बाद भी अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता भाई, तो उसे 7 लाख रुपए जुर्माना भरवा रहे हो, 10 साल की जेल करवा रहे हो, तो ये चीज़ तो गलत है भाई। बंदा 10 साल जेल में रहेगा तो भाई उसके घर पर खाना पीना कौन करेगा भाई, तो इससे बढ़िया तो यही है फिर कोई ना चलाए फिर, तो भाई करते रहो अपना ट्रांसपोर्ट जो देश का इधर लेन देन होता रहेगा। और क्या, अगर ट्रक ही नहीं चलेंगे तो भाई फिर ट्रक ही, अगर ड्राइवर ही ट्रक व्रक नहीं चलाएंगे तो भाई फिर क्या होगा, इधर से उधर जो सामान गाड़ी वाड़ी जाती है भाई, डिलीवर होता है, ठीक है, नहीं होगा फिर तो भाई। ये पोर्टर वोटर चल रहे हैं भाई, जो भी हो रहा है आजकल देश में भाई, ट्रक व्रक, ठीक है, मतलब जो भी इधर उधर ले जाने का काम हो रहा है ट्रक व्रक की वजह से होता है भाई। बाकी ये पोर्टर वोटर चल गए हैं ये सब भी भाई, फिर तो बंदा कुछ चलाएगा नहीं, अंकल डिलीवरी पोर्टर वोटर जो भी ऐप होते हैं सारा अपना, बढ़िया, इससे बढ़िया तो बंदा कोई और जॉब नहीं करेगा भाई। कैमरे पे क्या लग गया भाई, ये चीज़ें भाई गलत हैं यार। मेरे भी दोस्तों के कुछ पापा हैं, उनके घर वाले भाई भी हैं, पापा हैं जो ट्रक व्रक चलाते हैं ना भाई, तो भाई ये चीज़ें तो गलत है भाई। सरकार को रूल रेगुलेशन निकालने चाहिए, कभी एटलीस्ट दोस्त के तो निकालने चाहिए ना, कि उनकी वजह से उनका दोस्त का, देश का ट्रांसपोर्ट हो रहा आगे से ज़्यादा, इधर उधर सामान ले जाना लाना, और तुम उन्हीं के लिए रूल रेगुलेशन निकाल रहे हो। ऐसे कितने बंदे होते हैं हवाबाजी वाले भाई, राइडर्स होते हैं ट्रक में से, ट्रक बस के आगे से ऐसे ऐसे कट मार के निकालते हैं और गिर जाते हैं, फिर बड़ी गाड़ी वाली गलती होती है भाई, कि बड़ी गाड़ी वालों की गलती है भाई, गलत है भाई, दिस इज नॉट फेयर भाई, बहुत गलत है। अभी कंफर्म भी नहीं है, पता नहीं कि हुआ है नहीं हुआ, बोल रहा तो जा रहा है कि भाई लागू हो गया है, बट ये ना हो तो अच्छी बात है भाई। जो हड़ताल वड़ताल चल रही है हमारे यहाँ, ICDR ट्रक खड़े रहते हैं, वहाँ पर ट्रक नहीं निकल रहे भाई, कौन लेके निकलेगा भाई। अगर कोई गलती से, गलती तो गलती होती है ना भाई, उसके लिए तुम सजा कर सकते हो, जुर्माना फिर 10 साल की सजा भाई, ये तो गलत चीज़ है यार। क्या कह रही दादी, तू जाएगा लेने, क्या होता है,
तो भाई ठीक है, अभी ये उमंग झाड़ू लगा ले, अपने घर पे साफ सफाई कर ले, फिर चढ़ते हैं पिंक भाई के यहाँ। नाम क्या है इसका? है जूली। जूली देखो, जो तो जूली नाम ली थी, कैसे चल रही है वो? समझदार कुतिया भाई। बीच ये थोड़ी है, ये है कटिया, तो ये टिंकू भाई की कटिया है। टिंकू भाई ने फट्टा लेना है आग जलाने के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम देख लो भाई, ऐसा कुछ हो रहा है। गाय ये बंदरी भाई, भाई सुबह सुबह इसी की सानी करके गए तुम। दूध वूध दे रही है भाई? कितने लीटर दूध दे रही होगी? 7। तो बेच दो तुम, पी जाओ सारा। बेचते हैं भाई, और 2 किलो पीने के लिए रखते हैं। सो दे भाई, तो दूध पी रहे गाय का। और भाई एसी की कट रही है? कटिया कटिया कितने महीने की होगी कटिया? साल की। उमंग की पिलिया ने तो यार यूट्यूब वूटे बंद गंदे करती है भाई। इसने भी पाल लिया एक पिलिया जूली नाम से। खोपड़े तो धरे हैं पर लकड़ी जलानी है भाई, आती है ऐसी टॉयलेट कर दी भाई इसने तो। मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा भाई, देख रहे हो कैसे कोरा कोरा हो रहा पीछे की तरफ देखो पूरे में। तो जी अपना घर आ गया भाई फेवी क्यूक लेके, बिकॉज माय चप्पल इज टूटिंग, चप्पल टूट रही है, वो जोड़ने के लिए लेके आया हूँ। और मेरे को भूख लग रही थी, फिर मेरे को अचानक से याद आया आज तो मेरे घर पे कोई नहीं है शायद, पता नहीं कहाँ गए। ये कौन है? ये शायद पापा सो रहे हैं बाथरूम में, दीदी मम्मी या कुन्नू में से एक होगा, भैया क्योंकि जो पे हैं। और मेरे को भूख लग रही थी, तो मेरे को ना अचानक से याद आया कि मेरे घर पे तो आज वो बने आलू के पराठे। उसके बाद ना भूख और डबल हो गई, मैं देखता हूँ बच्चे भी नहीं बच्चे भाई हैं तो भाई शायद ये तो आलू की चटनी है इसमें तो, अगर पराठे नहीं हुए तो। भाई हम टिंकू भाई के यहाँ बैठे पड़े थे जब तक ठीक था, लेकिन प्लीज हो पराठे प्लीज। अबे यार पराठे नहीं है भाई, भाई भाई यार मूड खराब हो जाएगा भाई। पराठे कहाँ गए? खा लिए गए सारे? इसमें दलिया है यार, पराठे नहीं है भाई। मम्मी पनीर की सब्जी पड़ी है भाई, पड़ी क्या मतलब सॉरी रखी पड़ी है, पड़ी नहीं है सब्जी है, पड़ी थोड़ी होगी रखी है। तो भाई अपना पहले मैं ना फेविक्विक वाला काम करूँ, मतलब चप्पल चिपकाऊँ, उसके बाद हाथ धोता हूँ, हाथ धोने के बाद अपनी रोटी और सब्जी गर्म करके ये खा लेता हूँ। अब नहीं है तो क्या करूँ, मम्मी भी नहीं है। उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है ना। जब तक मैं फोन चार्ज पे लगा देता हूँ, थोड़ी देर मिलते हैं। ओके जी ओके, लव यू लव यू लव यू। सो भाई तुम्हारा भाई ने मुंह धोके एकदम ऑल सेट हो चुका है भाई, हुड वुड पहन लिया और बाकी अपना पैंट वैंट चेंज कर लिया। सोच रहे थे कहीं जाने की, सोच रहे थे तलब वलब जाने की, चाय पी के आते हैं वहाँ पे, ये भी कन्फर्म नहीं है, देखते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे। और भाई हमारा मतलब मेरे को क्या, दीदी को 5 से 6 दिन के बीच में भाई 14,000 रुपये का नुकसान हो गया उसके फ़ोन में। मैं दिखाता हूँ कैसे, देखो ये दीदी का फ़ोन है ठीक है, ये ओप्पो रेनो 6 है। एक मिनट रुक जाओ, ये पानी वानी लगा पड़ा इस पर। हाँ ये पानी गिरा है क्या यहाँ पे? हाँ ये दीदी का फ़ोन है ओप्पो रेनो 6, ये भैया पिछले साल लेकर आए थे सर्दियों में, मतलब 1 साल हो गया इसे ठीक है। और ये वाला फ़ोन ना भाई अभी ना मतलब 1 साल के अंदर इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, अभी 4 से 5 दिन पहले, 31 तारीख की बात है। ये दीदी के मतलब जो ऑफिस में काम करता है वो एक लड़का वड़का कोई होगा दीदी ऑफिस में काम करता है, उससे गिर गया था, तो इसकी ना पूरी डिस्प्ले चली गई थी भाई ठीक है। और ये इसका बैक ये भी चले गया था पीछे वाला गिलास, तो भाई ये स्क्रीन डली थी उसकी नहीं, 7,000 रुपये की इसकी ओरिजिनल स्क्रीन है ओप्पो सर्विस सेंटर से, तो उस बंदे ने डलवा के दी थी कितने दिन पहले, मात्र 3 दिन पहले ठीक है। और आज ये छोटे वाले भाई से इस पर पत्थर गिर गया, फिर ओरिजिनल स्क्रीन चलेगी, देखो भाई इसकी टेम्पर चढ़ा हुआ था इसका, भाई इसके ऊपर पत्थर गिरा, वो फोन ऐसे चला जा रहा था ऊपर से घर भर पे, पता नहीं हमारे यहाँ पे एक मकान बन रहा उस पर से पत्थर गिरा, और वो टेम्पर हटा के देखा तो भाई स्क्रीन भी टूट गई थी, देखो यहाँ से चलेगी भाई स्क्रीन, वर्किंग तो हो रही है भाई पूरी, बट ये स्क्रीन फिर से डलेगी भाई। दीदी कह रही थी चेंज करवाने की कि चेंज कराऊंगी मैं इसे, अब देखते हैं कब करवाते हैं, बट भाई
एक हफ्ते के अंदर 14,000 रुपये का नुकसान हो गया। 7,000 की स्क्रीन ये वाली और डली है, ये नहीं डली थी, और प्लस बैक टेम्पर्ड का खर्चा हुआ था जो डला था, इसका प्राइस तो नहीं पता बैक टेम्पर्ड का, बट अब ये स्क्रीन डलेगी दोबारा, वो भी 7,000 की डलेगी ओरिजिनल। 6-7 दिन के अंदर 14,000 रुपये का नुकसान हो गया भाई। देखो यहाँ से टूट गया भाई पूरा भाई, तो देख लो मोटा ही मोटा खर्चा हो रहा भाई। जब टाइम साला बेकार होता है ना, ऐसे ही होता है, नया साल आया और 14,000 रुपये का सीधा नुकसान हो गया। देखते हैं बाकी, करवाते हैं इसे भी जल्दी ठीक, फिर चल रही है लेकिन करवाने की कह रही है वो दीदी कि मैं करवाऊँगी इसे ठीक। बाकी अपना एक बार मेरा ब्लॉग एडिट हो रखा है, जो आज अपलोड करना है, थंबनेल बन रखा है, उस ब्लॉग को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद निकलते हैं बाहर के लिए। बाकी भाई मैं नहाया तो हूँ नहीं, क्योंकि कल मैं नहाया था, तो मैं जैसे कि बताया भाई ठंड वंड हो रही है, अपना जाना वाना कहीं है नहीं, तो मुँह धो लिया, ब्रश सुबह कर लिया था, अभी भी ब्रश कर लिया। बाकी अपना एकदम ओके, कहीं चलते हैं तो फिर आपसे बात करेंगे। दीदी की किस्मत खराब है भाई, छोटे भाई ने तोड़ दिया। तो जी इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं भाई, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। भाई ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे ही प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग से ब्लॉग देखने के लिए तुम्हारे भाई के चैनल को गाना चल गया भाई, एक मिनट, तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जैसा मैं कह रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी शेयर दो के सब्सक्राइबर करवा दो यार। ठीक है जी, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना रखो ध्यान, टाटा भाई।